हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन बायोलॉजी। आई एम अमृता रोचलानी फ्रॉम लाइफ इन बायोलॉजी टीम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएनए, दैट इज़ द राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स की। लेकिन इससे पहले गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए बात करते हैं आरएनए, दैट इज़ द राइबोन्यूक्लिक एसिड की। नाउ हमने पहली वीडियो में बात करी कि न्यूक्लिक एसिड और उसके दो फॉर्म होते हैं, दैट इज़ द डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड जो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, डीएनए उसका पहला फॉर्म पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, उसी तरह जो आरएनए है वो पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और वो हेल्ड मतलब उसमें जो बॉन्ड यूज होता है, जो उनको बाउंड करके रखता है, वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो चलिए बात करते हैं कि पहले की आरएनए में कौन से तीन मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो पहला उसमें प्रेजेंट होता है शुगर, दैट इज़ राइबोस शुगर, जो कि एक पेंटोस शुगर होती है, जिसका स्ट्रक्चर आप इस इमेज में देख सकते हैं। सेकंड उसमें प्रेजेंट होते हैं बेसिस, जो होते हैं प्यूरीन और पैरामिडीन। और थर्ड उसमें प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो पहले हम बात करेंगे कि उसमें कौन से चार न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ एक होता है प्यूरीन और एक होता है पैरामिडीन। और प्यूरीन और पैरामिडीन के अंदर फॉर्म होते हैं, जैसे कि प्यूरीन में होते हैं एडेनाइन और ग्वानिन और पैरामिडीन में होते हैं यूरेसिल, साइटोसिन और थायमिन। नाउ यहाँ पे एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो अलग है, वो चेंज है, वो है यूरेसिल। यहाँ पे जो एडेनाइन है वो थायमिन को रिप्लेस करके बॉन्ड बनाता है यूरेसिल के साथ और ग्वानिन बनाता है साइटोसिन के साथ। यहाँ पे थायमिन यूज़ नहीं होता, यूरेसिल यूज़ होता है। तो ऐसा क्यों, आखिर आरएनए में यूरेसिल और थायमिन डीएनए में, ऐसा क्यों? तो एक्चुअली इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। ऐसा माना जाता है कि यूरेसिल एक एनर्जेटिकली लेस एक्सपेंसिव है, जो न्यूक्लियोटाइड एनर्जेटिकली लेस एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द थायमिन। तो इसीलिए डीएनए में जो यूरेसिल है वो रीडली प्रोड्यूस भी हो सकता है जब केमिकल डिग्रेडेशन होती है साइटोसिन की। तो वहाँ पे थायमिन जो है वहाँ पे अगर एज अ नॉर्मल बेस पेयर रहेगा तो वो ईजीली म्यूटेशन और रिपेयर को डिटेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए यूरेसिल, जो कि लेस एक्सपेंसिव या हम नॉर्मल वर्ड में बोले तो चीप है, तो हम उसको आरएनए के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि आरएनए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारी बॉडी में जितना डीएनए है। डीएनए बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, इसीलिए उसकी सीक्वेंस को मेंटेन करना हमारी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम डीएनए में थायमिन यूज़ करते हैं और यूरेसिल यूज़ करते हैं आरएनए में। तो ये था रीज़न, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ आरएनए का स्ट्रक्चर, नाउ आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है स्ट्रक्चर में, ये एक ही स्ट्रैंड होती है। सेकेंडली कि इसमें जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देन आरएनए की दो एंड हैं, देखिए फॉर एग्जांपल ये है एक 5' एंड और ये है 3' एंड। तो इसकी जो 5' एंड है वहाँ पर होता है फॉस्फेट ग्रुप और इसकी जो 3' एंड है वहाँ पर होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो ये थी आरएनए की दो स्ट्रैंड और उसमें जो बॉन्डिंग है वो एडेनाइन और यूरेसिल और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में होती है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टाइप्स ऑफ आरएनए। नाउ आरएनए में मेनली तीन टाइप होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज ट्रांसफर आरएनए। नाउ आरएनए के तीनों टाइप में से सबसे जो स्मॉलेस्ट टाइप है आरएनए का वो है ट्रांसफर आरएनए, जो सिर्फ 70-90 न्यूक्लियोटाइड्स का ही बना होता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 34,000-31,000 डेल्टन। नाउ एज द नेम सजेस्टेड, ट्रांसफर आरएनए मतलब वो कोई ना कोई काम करता होगा जो ट्रांसफ़र करने का काम करता होगा, राइट? तो एक्चुअली हमने पहले ये प्रोसेस, पहले की वीडियो में भी एक बार मैंने कहा था कि एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में जिसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ बोलते हैं, जिसमें डीएनए में से आरएनए बनता है और आरएनए में से प्रोटीन। तो जब आरएनए में से प्रोटीन बन रहा है तो ऑफकोर्स आरएनए के सारे टाइप्स उस प्रोसेस में कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होंगे। तो उस टाइम पे प्रोटीन सिंथेसिस के जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है साइटोप्लाज्म से राइबोसोम
राइबोसोम में फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. तो वहाँ पे वो उनको ट्रांसफ़र करता है बिकॉज वो राइबोसोम में सिंथेसाइज होते हैं, तो वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. तो वो जो ट्रांसफ़र करने का काम होता है वो होता है ट्रांसफ़र आरएनए का. तो इसमें जो आरएनए के पाँच टाइप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एक्सेप्टर आर्म, डी लूप आर्म, एंटीकोडोन आर्म, टी लूप आर्म और ऑप्शनल आर्म. तो हम वन बाय वन उनका फंक्शन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इज एक्सेप्टर आर्म. तो एक्सेप्टर आर्म, ये जो आप 3' पे सीक्वेंस देख रहे हैं, जो अनपेयर सीक्वेंस है, ये है एक्सेप्टर आर्म. इसका काम होता है कि ये साइट प्रोवाइड करती है जहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आके बाइंड हो सकता है, स्पेसिफिकली फॉर द अमाइनो एसिड. ये था एक्सेप्टर आर्म. सेकेंड इज़ डी लूप आर्म, दैट इज़ DHU. उसका काम होता है कि वो जो अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करती है एंजाइम, मतलब अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम होती है, उसके लिए साइट प्रोवाइड करता है कि वो यहाँ पे आके बाइंड हो सके, डी लूप आर्म. थर्ड इज़ एंटीकोडोन आर्म. एंटीकोडोन आर्म क्या करता है, वो पहले रिकॉग्नाइज करता है कि मैसेंजर आरएनए में कौन से कोडोन प्रेजेंट है. मतलब सपोज मैसेंजर आरएनए पे कोडोन प्रेजेंट है AUG, तो वो उसको पहले रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उसके अपोजिट वो एंटीकोडोन करेगा. सपोज AUG तो उसके एंटीकोडोन होंगे UAC. तो एंटीकोडोन का काम होता है वो कोडोन को रिकॉग्नाइज करके बाइंड होना उसके साथ. देन फोर्थ है टी लूप आर्म. तो टी लूप आर्म का काम होता है कि वो tRNA को अलाउ करता है कि वो राइबोसोम के साथ बाइंड हो ट्रांसलेशन के ड्यूरिंग. नाउ ट्रांसलेशन इज़ नथिंग बट जो सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना, उसका साइंटिफिक टर्म में उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं. तो वो जो बाइंडिंग अलाउ करता है वो करता है टी लूप आर्म. एंड फिफ्थ है ऑप्शनल आर्म, जो सिर्फ 3 to 21 बेसिस का बना हुआ होता है, लेकिन उसका फंक्शन अभी तक अननोन है. तो ये था tRNA. नाउ सेकेंड इज़ द मैसेंजर आरएनए, दैट इज़ mRNA. नाउ एज द नेम सजेस्टेड, मैसेंजर आरएनए मतलब कि ये कोई ना कोई मैसेज टाइप का काम कर रही होगी ऑफकोर्स. तो यहाँ पे एक्चुअली मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के ड्यूरिंग जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है प्रोटीन सिंथेसिस बनाने के लिए, वो उसको स्टोर करता है, बट इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड. क्योंकि हमारी बॉडी में DNA RNA बनने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कोडॉन्स में स्टोर होती है, दैट इज़ AUG, UGA, ये सब. तो मैसेंजर RNA जेनेटिक कोड के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है. नाउ यूकेरियोटिक और प्रोकेरियोटिक मैसेंजर RNA में डिफरेंस होता है. नाउ कैसे, कि जो यूकेरियोटिक मैसेंजर RNA वो होती है मोनोसिस्ट्रोनिक, मतलब कि वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही टाइप के प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती है. मतलब आप एग्जांपल ले लो कि सपोज ग्लोबुलिन इज़ अ प्रोटीन, तो वो एक टाइम पे सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन बॉडी में स्टोर करेगी कि हाँ ये जेनेटिक कोड है, ये सिर्फ ग्लोबुलिन को बनाने के लिए ही यूज़ होंगे उस टाइम पे. लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो मैसेंजर आरएनए होता है वो होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक, मतलब कि वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोटीन बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कर सकती है. तो ये डिफरेंस है यूकेरियोटिक mRNA और प्रोकैरियोटिक mRNA में. नाउ थर्ड टाइप ऑफ RNA इज़ राइबोसोमल RNA. नाउ राइबोसोमल RNA मतलब राइबोसोम प्लस RNA. तो इसको राइबोसोमल RNA एक्चुअली इसीलिए बोलते हैं बिकॉज RNA का स्ट्रक्चर इसमें एसोसिएटेड होता है राइबोसोम के साथ, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द rRNA. नाउ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकेरियोटिक राइबोसोम में डिफरेंस होता है. जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70S का होता है और जो यूकेरियोटिक राइबोसोम है वो 80S का होता है. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम फर्दर डिवाइड होता है 30 और 50 में और यूकेरियोटिक होता है 40 और 50 में, और ऐसे इनके सब डिवीजन होते हैं. नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि 70S का डिवीजन 30S और 50S में कैसे हो सकता है, मतलब ये जब दो सब यूनिट अलग हो रहे हैं तो इनका जो टोटल सिम, अगर यहाँ पे हम कॉमनली अपनी मैथ्स अप्लाई करें तो इनका टोटल सम 80 होगा, तो वहाँ पे ऊपर 70 कैसे टोटल आ रहे हैं. एक्चुअली इसके पीछे भी एक रीज़न है. ये जो S था 70S 80S वो होता है S मतलब स्वेडबर्ग यूनिट. वो स्वेडबर्ग यूनिट क्या होता है कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हो रहा है. सेडिमेंटेशन मतलब किसी चीज़ को सेटल डाउन करना. सपोज़ आप कोई भी
टेस्ट ट्यूब लो, उसमें सस्पेंशन है और आप कोई भी मॉलिक्यूल ऐड करो, तो वो जब बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा ना, तो हम उसको बोलेंगे कि वो सेडिमेंट हो रहा है, वो प्रोसेस हो रही है सेडिमेंटेशन की। तो स्वेडबर्ग ऐसा यूनिट है जो मेजर करता है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में हमारा मॉलिक्यूल सस्पेंड हो रहा है। और यहाँ पे इन्होंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में इसको सेडिमेंट किया है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक्चुअली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मिक्सचर की सेपरेशन के लिए यूज़ होता है, और उनको जब ये सेडिमेंट हो रहा है तो उसको यूनिट, जिस यूनिट में इन्होंने मेजर किया है ना, दैट यूनिट इज़ द स्वेडबर्ग। वो उनकी डिवीजन नहीं है, वो उनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, 70s 50s। यहाँ पे सी सपोज आप एग्जांपल ले लो कि ये एक ट्यूब है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का, तो जब यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूज हो रहा होगा तो यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई होंगे, एक होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपवर्ड मूव करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको डाउनवर्ड मूव करेगा। और जिस रेट पे ये वहाँ पे सेडिमेंट होगा, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, वो होगा हमारा 50s, सेम इन केस ऑफ 30s। और यही सेम चीज़ अप्लाई होगी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों राइबोसोम के 50, 70 और 80s में। तो ये था रीज़न कि वहाँ पे एस दिस इज स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट क्या होता है। नाउ गाइस, आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो आरएनए के स्ट्रक्चर एंड टाइप सिंपल वे में समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक क्विज़ है जिसका आंसर अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको मिल सकता है, और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। गाइज, ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप पेड नोट्स, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन इन सब के लिए या फिर हमें मेल कर सकते हो, या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमें डीएम कर सकते हैं, और किसी भी क्वेरी के लिए आप प्लीज़ हमें कभी भी डीएम कर सकते हैं। देन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।